आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, 19 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NaHCO3 एंड Na2CO3 ऑन कंप्लीट हीटिंग लिबरेटेड 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP। द वेट इन ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर बिफोर हीटिंग। हमें यह गिवन है एक मिक्सचर जिसके अंदर प्रेजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। इसको किया है हीट और फॉर्म हुआ है 1.12 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बताना है कि इनिशियली बिफोर हीटिंग Na2CO3 इस मिक्सचर में कितना प्रेजेंट था। हमें गिवन है इस मिक्सचर का मास है 19 ग्राम्स। तो इसके अंदर जो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो जाता है हीट के प्रेजेंस में, बट जो सोडियम कार्बोनेट है वो स्टेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसलिए ये हमारा कोई चेंज शो नहीं करता और रिएक्शन होता है सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट का। रिएक्शन लिखने से पहले हम पहले मोल रिलेशन देखेंगे। मोल रिलेशन कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट और अ कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू इट्स मोलर मास और एटॉमिक मास इन ग्राम्स। और ये 1 मोल इक्विवेलेंट होता है 22.4 लीटर एट STP। तो अब हम लिखेंगे रिएक्शन NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। यहां हमारी प्रोडक्ट साइड पे सोडियम के 2 मोल्स प्रेजेंट है इसलिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहां हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो हमें गिवन जो है मास ऑफ मिक्सचर वो है ग्राम्स में गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो अगर हम 1 मोल मोलर मास ऑफ ग्राम्स के इक्वल है तो यहाँ पे 2 मोल्स 2 × मोलर मास ऑफ ग्राम्स के इक्वल होगा। तो हम सोडियम कार्बोनेट का ग्राम्स में लेंगे मोलर मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो हम यहाँ लिख देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पे 3 मोल्स प्रेजेंट है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 168 ग्राम्स। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है बैलेंस रिएक्शन में अगर हम उसके मास को देखें तो उसने 168 ग्राम्स ने रिएक्ट किया है। और यहाँ पे देखो हमें CO2 फॉर्म हुआ है, 1.12 लीटर CO2 फॉर्म हुआ है और यहाँ पे हमें बैलेंस रिएक्शन में दिख रहा है कि 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इस पे मोल रिलेशन लगाए 1 मोल के लिए 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट है क्योंकि हमें लीटर्स में गिवन है इसलिए हम इसका रिलेशन लीटर्स में लेंगे। तो 1 मोल मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2 फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम 168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मिल रहा है 22.4 लीटर ऑफ CO2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 22.4 लीटर हमें CO2 मिल रहा है जब हम डीकम्पोज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 168 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हमें देखना है कि 1 लीटर CO2 हमें कितने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके मिलेगा तो हम इसे कर देंगे डिवाइड। 22.4 यहाँ नीचे चला जाएगा, 168 डिवाइड बाय 22.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। बट हमें गिवन कितना है, 1.12 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है हमारी इस रिएक्शन के लिए। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 1.12 लीटर ऑफ CO2 कितने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिलेगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.12 को, 1.12 इंटू 168 डिवाइड बाय 22.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें इससे क्या पता चला कि जब हमें 1.12 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है तो इसका मतलब 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया है। अब जो गिवन मिक्सचर था उसका मास था 19 ग्राम, तो टोटल जो मिक्सचर है टोटल मिक्सचर का मास है 19 ग्राम और इसमें प्रेजेंट है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस Na2CO3। हमें NaHCO3 का मास मिल गया 8.4,
ये 19 ग्राम, ये 8.4 ग्राम मिल गया, और हमें बताना था कि सोडियम कार्बोनेट का इनिशियल मास कितना था। इसमें कोई चेंज नहीं आया है, हमें बताना था मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट बिफोर हीटिंग। तो हमें मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 8.4 को उस साइड भेज देंगे, तो 19 माइनस 8.4 ग्राम मास ऑफ Na2CO3 में मिलेगा, तो आएगा 10.6 ग्राम। तो हमें मिल गया मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट बिफोर हीटिंग इज 10.6 ग्राम। तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऑप्शंस में हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट मास है ऑफ सोडियम कार्बोनेट बिफोर हीटिंग। हमें इससे हमें कुछ भी नहीं मिला है रिएक्शन करने पर, सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट से मिला है, इसलिए हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जो गिवन वॉल्यूम थी उसके इक्वलेंट रख के हमने इसका मास निकाला, और हमें माइनस करने पर मिक्सचर के मास से हमें मिल गया है सोडियम कार्बोनेट का मास। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।